गुजरात, नाम सुनते ही आपके दिमाग में समृद्धि की एक तस्वीर बन जाती होगी। वो समृद्धि जो उद्योग से लेकर कृषि क्षेत्र तक फैली हुई है, लेकिन इस राज्य में खेती किसानी की ये तस्वीर हमेशा ऐसी नहीं थी। जब मैं छोटा था तब मेरे आया वाटर लेवल 80 फीट का था, अब मैं 28 साल का हो गया तो हमारे यहाँ 700 फीट हो गया है वाटर लेवल। हमारे यहाँ पानी लगभग खत्म होने वाला है, ऐसी परिस्थिति है आने वाले टाइम में। 20-25 साल पहले की जो बात की जाए तो कॉमन जो खेतियाँ लगती थी, इरिगेशन की कोई सुविधा नहीं थी। 77 में हमारे यहाँ काल पड़ते थे, इसलिए कच्छ के लोग सब भागने लगा क्योंकि यहाँ खेती में कोई प्रॉफिट नहीं थी। बनासकाठा में पानी नहीं तकलीफ से, एक तो पानी अमारे यहाँ बहु पानी ओछू से, हमारे जो पानी बहु नीचू से जमीन में ऊंडे से पानी खींचव पड़े। गुजरात में खेती का जो रकबा है उसमें से 40-42 लाख हेक्टर में जो पानी का पीयत की व्यवस्था है और बाकी में पानी का पीयत की व्यवस्था नहीं है। पानी की किल्लत गुजरात के ज्यादातर जिलों का जमीनी सच है। देश के कई राज्यों में जहां ग्राउंड वाटर 100 फीट पर मिल जाता है, गुजरात में 1000 फीट या कई बार उससे भी नीचे नसीब होता है। अब ऐसे में मुनाफे देने वाली खेती तो दूर, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी, लेकिन गुजरात के किसानों ने ऐसा मुमकिन कर दिखाया है और इस काम में इन किसानों का हौसला और सहारा बना है जैन इरिगेशन। दो हजार 5-6 में जैन कंपनी का मिनी स्प्रिंकलर हमने और ड्रिप लगाया और आज मैं जो भी हूँ इनके अंदर जैन कंपनी का बहुत अहम रोल है। मेरे घर पे सोलार लगा है तो जैन कंपनी का, मेरे दो कोल्ड स्टोरेज पे जो सोलार सिस्टम लगा है तो वो भी मैंने जैन कंपनी का लगाया है। हमारे किसान यहाँ पे अनार की खेती भी करते हैं और मैं भी खेती करता हूँ तो वो भी हमने जैन कंपनी का लगाया है। टिश्यू कल्चर 100% बिल्कुल हो सकती है, मेरी तो तीन गुनी हुई है। और ऐसे मेरा जैसा एक किसान नहीं है, यहाँ पे ऐसे हजारों किसान आपको मिलेंगे जो 15-20 साल पहले कुछ नहीं थे, आज सब एक उद्योगपति की बराबरी में चल रहे हैं। 50-50 लाख की गाड़ी, 70-70 लाख की कार में हमारे किसान घूम रहे हैं। इनकी मेहनत, सरकार की पॉलिसी और जैन जैसी कंपनी की सपोर्ट। माइक्रो इरिगेशन की इस तकनीक के सहारे न सिर्फ खेताराम बल्कि लाखों किसान आलू, कपास, मूंगफली, अनार, खजूर, केला, स्वीट ऑरेंज और ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैंने अपना स्टडी MA इकोनॉमिक्स और नेट क्लियर किया हुआ है। 3.5 साल तक मैंने प्रोफेसर की जॉब भी की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये प्रोफेसर की जॉब एक फिक्स इनकम है तो अपने खुद की ज़मीन है, 18 एकड़ ज़मीन है मेरे पास। फिर मैंने जॉब छोड़ के 2012 में अनार की खेती शुरू की, तो यहाँ से हमारे 35 किलोमीटर पर डीसा जहाँ पे आलू की खेती ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे पहले आलू बेड़ पे लगा रहे थे और खुला पानी दे रहे थे, फिर वहाँ से स्प्रिंकलर शुरू हुआ, जैन ने लगाए, दो किसानों ने ट्राई लिया, धीमे धीमे उसमें उपज बढ़ा तो सबने देखा कि नहीं ये फ्लेट पानी है उसकी जगह स्प्रिंकलर पानी से उत्पादन बढ़ रहा है, और पहले आलू और मूंगफली में से शुरू हुआ। तो किसानों को समझे कि हम खुला पानी दे रहे वो पानी ज़्यादा जा रहा है, ड्रिप से पानी दे रहे वो बूंद बूंद पानी जा रहा है, और खुले पानी में हम 1 एकड़ से जो सिंचाई कर रहे हैं वो ड्रिप से हम 10 एकड़ में सिंचाई कर रहे हैं। कुल मिला के मेरी आमदनी मौसम्बी में 6,14,000 की हुई दूसरी साल, और ये अभी मेरा तीसरी साल हार्वेस्ट आएगा तो इस बार 35-40 केजी पर प्लांट जाएगा, और रेट भी पिछले साल से अच्छे अच्छे सुधर रहे हैं और कुल मिला के आमदनी बढ़ रही है। उसके ऊपर ट्रस्ट है, जैसा वो चाहिए वैसा हमको वो मिल जाता है। जैन कंपनी वाले अपने को प्रॉपर डिज़ाइन और प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं अपने को। वो कम दबाव में ज़्यादा अच्छी तरीके से घूमता है और पानी का सही तरीके से फैलाव करता है। मैंगो तो ऐसे हमारा 30-35 हज़ार पौधा है, एक्सपोर्ट भी होता है, डोमेस्टिक में भी होता है। क्वालिटी में गया, हम बहुत अच्छी क्वालिटी में गया। कच्छ के बहुत किसान मैंगो लगा रहे हैं, 12,000 हेक्टर में कच्छ के मैंगो है। दूसरा खारेक भी होती है जो
दैट खजूर। गुजरात के किसानों में ये खुशहाली बनासकांठा से लेकर कच्छ तक फैली नजर आएगी। राज्य के कोने कोने में जैन इरिगेशन किसानों की इस सफलता का सूत्रधार बना है। जैन इरिगेशन का सूक्ष्म सिंचाई पद्धति किसानों को अपनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। खास करके हमारा जो मुख्य काम है वो हम किसानों को खाली सिस्टम नहीं बेचते, सिस्टम के बाद में वो सिस्टम को कैसे यूज करना, उससे कैसे ज़्यादा बेनिफिट लेना, उसका मेरिट में कैसे यूज करना, उसका हमारा पूरा एग्रोनॉमी का एक पैक एग्रोनॉमी के हिसाब से हम पूरा उनको समझन देते हैं। पहला जब हम स्टार्ट किया था 2005 में, 2005 से पहले, तब किसानों को समझाना पड़ता था कि भाई अब टपक लगाने से आपका उत्पादन बढ़ेगा, पानी कम लगेगा, निंदामण नहीं होगा। लेकिन आज हमको ये समझाना नहीं पड़ रहा है, हर एक किसान को शिक्षित कर दिया है कि टपक से आपको बेनिफिट है। जैन इरिगेशन ने न केवल कम पानी में किसानों को बेहतर फसल उगाने की तकनीक दी, बल्कि टिश्यू कल्चर प्लांट, हाई क्वालिटी सीड से भी किसानों को लैस किया। कच्छ की नमकीन आबोहवा में टिश्यू कल्चर अनार ने जो मिठास घोली है, हजारों किसान उसकी गवाही देते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम अनार का 5100 पेड़ जैन टिश्यू कल्चर से लिया हुआ था, और पहली बार मैंने 70,000 प्लांट का बुकिंग दिया था जैन कंपनी को, और मेरा खुद का 5100 पेड़ लगाया हुआ, और दूसरे किसानों को, सभी को राय देके दूसरे किसानों ने भी ये अनार के पेड़ टिश्यू कल्चर में कच्छ में पहली बार लगाने वाले लोग हम किसान लोग हैं, और धीरे धीरे हमारे 5100 पेड़ में से बढ़ते बढ़ते अभी हमारा टोटल प्लांट 25,562 एकड़ में हमारा प्लांटेशन किया हुआ है। बूंद बूंद सिंचाई तकनीक से खजूर की वो खेती भी गुजरात में उदाहरण बन रही है जो कम पानी वाले इलाकों के लिए महज एक ख्वाब था। जहां भारत के बाकी हिस्सों में ड्रिप इरिगेशन की खूबियों को लेकर अभी भी जागरूकता का अभाव है, गुजरात के खेडू एक एक पेड़ में पौधे की उम्र और फ्रूटिंग के अनुसार 4 से 8 ड्रिप तक इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि वहां पर किसान खजूर के एक एक पेड़ से 20,000 रुपए तक कमा रहे हैं। सब बोलते हैं सिर्फ ना कच्छ में नमक मिलता है, नमक ऐसा नहीं, सिर्फ नमक ही पैदा करता है कच्छ। कच्छ में बहुत सब है, जैसे कि हमारी डेट्स है, इसमें डेट्स में सब अलग अलग वेराइटी है। हमारे पास 5,000 से ज्यादा पौधे है, इसमें जितने भी पौधे है सब में अलग अलग आपको टेस्ट मिलेगा, सब में अलग अलग वेरायटी। हमारे यहाँ से यहाँ चेन्नई महाराष्ट्र एक्सपोर्ट होती है, ड्रिप के बिना बिल्कुल संभव नहीं। अब खजूरी देख लो, जब पौधे बड़े हो जाएंगे तब ऐसे फ्लडिंग आप कैसे दोगे। ड्रिप में क्या है, पानी का सेविंग भी होगा, और कहीं भी अगर कोने में अगर दूर है अपना, हमारा खेतर जैसे 300 एकड़ है, 2-2 किलोमीटर पूरा लंबा है, कहाँ ऐसे 2-2 किलोमीटर उसको ऐसे ही फ्लडिंग देंगे तो ऐसे लंबा जाएगा पानी, बहुत दूर कैसे जाएगा पानी। इससे जो ड्रिप होती है, ड्रिप से जहाँ भी आपने अपने को उस जहाँ भी अपना पानी पहुँचाना पहुँच जाएगा। गुजरात के खेडू मुश्किल परिस्थितियों में भी खेती में परचम लहरा रहे हैं। वो जो निराश हो गए, वो जिन्होंने पानी की कमी के चलते खेती छोड़ने का फैसला कर लिया, वो भी अब जैन के खास स्प्रिंकलर की बूंदों के सहारे मुनाफे की फसल काट रहे हैं। उनाले में पानी की दिक्कत थी, उनाले टाइम में पानी पहुंच नहीं था, पूरे खेत में सिंचाई नहीं हो रही थी, इसके लिए हमारा सिस्टम और टपक दोनों अपनाया, टेक्नोलॉजी के साथ चल गए, समकस चले, और ड्रिप हमारा वाटर सॉल्युबल खाद सब अपनाया, केमिकल दवा फर्टिलाइजर, अभी ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पानी बहुत नीचे है, इसीलिए जब बालू मोटर के साथ ऊपर आती है और पानी के साथ फुहारे में चले, फुहारे सब बिगड़ जाते हैं, चौकअप हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, 1-2 साल में फुहारे सब खत्म हो जाते हैं। तो जैन का वो गुंबद सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ खेडूत सब जैन का इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि जैन का घूमर और डिश बिल्डर अच्छा आता है, उसमें ज़्यादातर सैन रेत मिट्टी निकल जाती है बाहर घूमर से, और फुहारे में कंकर नहीं आते, फुहारा बंद नहीं होता, इसीलिए चालू क्रॉप में अंदर नहीं जाना पड़ता। किसानों की इसी समर्पण और उनके भरोसे के दम पर गुजरात में जैन इरिगेशन कृषि क्षेत्र में तरक्की की कहानी लिख रहा है। 1990 से लेके 2024
गुजरात के किसानों के विकास में जैन इरिगेशन की तकनीकी एवं जैन इरिगेशन की आधुनिक सिंचाई पद्धति साथ साथ में प्लांटेशन प्रोडक्ट्स इनका एक मुख्य योगदान है। जैन इरिगेशन ने 2005 में यहाँ गुजरात सरकार की एक सब्सिडी की स्कीम आई थी, गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर था, GGRC है। इस सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का व्याप बढ़ा है और काफी किसानों ने जैन इरिगेशन का सिस्टम लगाया है। गुजरात अगर तरक्की के हाईवे पर सरपट दौड़ रहा है तो इसमें सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि यहाँ के खेडुओं का भी पसीना लगा है। ये जो खेत के बीच बने कमरे में लगा एयर कंडीशनर आप देख रहे हैं, गुजरात के किसानों के समृद्धि की बानगी है। हवे हमें टपक सिंचाई में उत्पादन पूरु लेसी, वर्षा ओछो होय तो पाक पूरो आवे छे। हमारी बाजू में 2008 थी एक भाई टपक खेडूत टपक पद्धति अपनावी है, एनु जोई अने हमें अत्यारे टपक पद्धति वसावी है। नई जैन कंपनी ने वसावी है जेना पाट तमाम पाट सारा आवे। ड्रिप लगाने से रीजन ये है कि इसको 8 घंटे जब लाइट रहती है कंटिन्यू चलता है, 8 घंटे में ये पूरा जहाँ पे जगह है उसका पूरा गीला रहता है बराबर। उसके बाद में हम लोग ये मैचिंग करता है, देखिए नीचे जमीन सूखता नहीं देते नहीं है, जितना उसको पानी मांगता है इतना पानी पी सकते हो जान। ड्रिप तो इसके नीचे होल करके रखा है सर, इसके नीचे इसको कटिंग करके रखा है प्लास्टिक को, ये कटिंग किया है, कटिंग करने के बाद उसको घास लगाया जहाँ पे उसको दूसरा घास नहीं उगे, खाली इसी जाड़ को पानी मिले। जैन इरिगेशन ने सरकार की सिंचाई परियोजनाओं में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जैन इरिगेशन हूँ 2008 थी वापरू हूँ, पहला आनु ज्ञान अमने नोतु। सरकारे स्कीम काढ़ी कि जेने जैन इरिगेशन 2 एकर में लेवी हो एने कनेक्शन तत्काल में आपवामां आवशे अने नॉर्मल भाव थी आपवामां आवशे, एटले अमे खरीदी इरिगेशन अने 1 वर्ष मैं वापरी तो मने उत्पादन में डबल फायदो मिलो, एटले मैं आखा खेतरनी बीजा वर्षे वसावी लीधी। 2008 थी अत्यार सुधी हूँ कपास अने मरचीनुं वावतर करूँ छूँ अने मने उत्पादन में लाभ मळे छे, निंदामण में फायदो थाय छे, खातर में फायदो थाय छे, रोग ओछा आवे छे एनी अंदर अने पाणीनी सिंचाईनी अंदर पण अमने फायदो थाय छे। नबळो वरस होय तो पण अमारुं उत्पादन पूरेपूरुं अमने मळे छे। कृषि क्षेत्र अब केवल साइड प्रोफेशन नहीं बल्कि तकनीक की मदद से इसे किसी भी जॉब से बेहतर आमदनी वाला पेशा बनाया जा सकता है, ये जैन इरिगेशन से जुड़े हुए किसानों ने साबित कर दिया है। सारू से बधा करता सारू से मारा मत मुजब, मैं वायपरा पछी मने खबर छे के 7 वर्ष नी अंदर मारे कोई आमा मेंटेनेंस न थायु कोई पण प्रकार नु, एनी क्वालिटी ने एनी ड्रिप नी नळी नी क्वालिटी एनी पाइप नी क्वालिटी, अमे तो PVC पाइप पण केनल थी सीधा अमारा खेतर सुधी दौड़ावेला छे, तेमा पण कोई जातना इश्यू नथी हजु सुधी कोई पण प्रेशर नी अंदर। 4 किलोमीटर मारी लाइन नाखेली छे, 4 किलोमीटर में हजु सिंगल कम्प्लेन नथी क्यारे। हमारे पास कम से कम 6 के 7 फार्म है पूरा, इसमें जैनम का ही ड्रिप लगा हुआ है पूरा कंप्लीट, कंपनी नंबर 1 है, इसका पाइप ड्रिप और ड्रिपिया सब व्यवस्थित आता है जैनम का, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं आ फुवारो वसाया ने 10 वर्ष थी वधारे थया अने फुवारो आज भी जोरदार सारू काम करे छे। बीजी कंपनीओनो जे मार्केट में फुवारो काम करे छे एनाथी आपणे लगभग 10 वर्षे लोकोने कोई तकलीफ भी आवती होय ने अमारे हजु थी कोई तकलीफ आवी नथी अने जोरदार अतारे भी एनुं वर्क सारुं सारुं वर्क करे छे। 2008 थी हजी आजनी तारीखमां हूँ वापरूँ छूँ, 2024 साल थई हजी मारे एक पण नळी एमां एक पण होल खराब नथी थयो, 100% मने रिजल्ट मळ्युं है। અમારી પાસે જ્યારે ખેડૂતો આવે ને ત્યારે જૈન ઇરિગેશનના નામથી ને ડ્રીપ ઇરિગેશન જૈનની PVC પાઇપ વાલ ફિટિંગ્સ બધું જૈનનું જ માંગે છે અને જૈનની ક્વોલિટી ફિટિંગમાં ને લિટરલમાં ને બહુ સારી આવે છે। ક્વોલિટીમાંની દ્રષ્ટિએ જુઓ ને તો જૈન ઇરિગેશનની ક્વોલિટી સારી આવે એટલે ખેડૂતો જૈનની જ ડ્રીપ વસાવે છે। जैन इरिगेशन सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने वाली एक कंपनी भर नहीं, वो किसानों की हम सफर है, वो उनकी मुश्किलों का हल है। ना उम्मीद किसानों की आंखों में उम्मीद है, वो बंजर जमीन में उगती हरियाली की फसल है, वो खेती में आमदनी के नए अवसर देती एक सोच है, वो परंपरागत खेती में नई तकनीक और इनोवेशन की फैक्ट्री है। गुजरात के किसानों के चमचमाते घर, मुस्कुराते और खिलखिलाते चेहरे इसका सबूत हैं।